सर मैं सुधर्मेंद्र और कैप्टन युद्धवीर सिंह, मैं आर्मी पैरासूट रेजिमेंट से रिटायर हूँ। मैं और मेरी माँ और मेरी वाइफ आज से करीब 10 दिन पहले जयपुर में आए थे। किसी ने बताया कि एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है आंखों का। हमने डॉक्टरों से बातचीत की, डॉक्टर ने बोला साहब कल आओ, हम देख कल हम फिर किसी रिलेशन में रुके। दूसरे दिन जैसे आए तो डॉक्टर बोला साहब आज नहीं कल, यानी कि हमें 3-4 दिन तक हमें गुमराह किया और हम परेशान होकर एंड बैक वापस अपने स्टेट हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मंदिरगढ़ में अपने गांव नारनौल पहुंच गया। उसके बाद मैं मेरा ही क्लोज मेरी बहन थी, वो किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो वो जयपुर मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैंने पूछा कि हाँ, मैं अपने दो बहन के हस्बैंड से पूछा, हाँ बेटे कहाँ हो अभी? बोल सर ऐसे ऐसे जयपुर। बोल जयपुर कहाँ यार? ऐसे ऐसे आपके वहाँ, तो मेरे को पता लगा तो मैं अपने बेटे को इमीडिएटली भेजा इधर मेरी बहन की जानकारी के लिए, उसके हेल्प के लिए। मेरा बेटा 3 दिन इधर रुका, एंड बैग वापस गया तो मैंने बेटे पूछा यार जैसे डॉक्टर का कोई नंबर वगैरह लिखाना यार, तेरी मम्मी का तेरी दादी का उधरी आंखों का ऑपरेशन करा देते हैं। तो बेटा जैसे वापस गया जैसे अपने इमरजेंसी नंबर वगैरह कुछ कार्ड लेके गए जैसे, तो मैंने इमरजेंसी के थ्रू डॉक्टर कुंजलता से बात की। तो डॉक्टर कुंजलता जो आंखों की बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि एक भगवान के स्वरूप एक लेडी थे, बहुत ही जेंटल डॉक्टर बैठती, उनसे मैंने बात की। डॉक्टर ने बोला साहब आप आइए कभी भी आइए। और मैंने पूछा मैडम कहीं मैं आऊँ आप, यानी कि मैं काफ़ी दूर से डिस्ट्रिक्ट मंदिरगढ़ हरियाणा से आऊँगा, ऐसा ना हो कि मैं पूछूँ आप कहीं लीव पे या किसी काम से आउट हो जाओ। तो नहीं, बोले साहब आप आ जाए कभी आए, मैं आपका कहीं नहीं जाने वाले इस वीक के लिए। सब मैं इमीडिएटली मैं उठे कि मैडम मैं कल आता हूँ। बोले साहब आप आओ, मैं सब दूसरे दिन डिस्ट्रिक्ट मंदिरगढ़ से अपने यानी कि जयपुर के लिए रवाना किया और ड्यू टाइम पर साहब मैं पहुँच गया। आते ही डॉक्टर साहब ने तो करीब 11:30 बजे हमसे मुलाकात, मैं मिला डॉक्टर से, मेरी माँ और मेरी वाइफ को उनको दिखाया, चेकअप किया उनने, तो उनने जो भी था अगली एडमिट की प्रोसीजर अपना करके मेरी वाइफ और मेरी माँ को दोनों को एडमिट कर दिया। और यानी कि कल मेरी वाइफ का और मेरी माँ का दोनों का ऑपरेशन हो चुका। आज दोनों की जो पट्टियाँ थी खोल दी गई, इतना जेंटल डॉक्टर और इतने बोलते कि देव स्वरूप मानता हूँ मैं सब उनको, उन्होंने इतने अच्छा ऑपरेशन किया। मेरी माँ और मेरी वाइफ दिल से डॉक्टर साहब को दिल से दुआएं दे रहे, भगवान करे वो और उनके बच्चे सदा खुश रहें, हमारी दुआएं उनके परिवार के लिए सदैव साथ रहेंगी। मेरी तरफ से हॉस्पिटल के पूरा जो स्टाफ है और जितने डॉक्टर हैं सब बहुत ही भेव, बातचीत करने का तरीका, देखभाल करने का तरीका बहुत ही जेंटल, सब बहुत ही बढ़िया था। साहब करने खाना पीना बहुत ही अच्छा था हमारी तरफ से, ना तो खान पीन में कोई प्रॉब्लम महसूस, अगर हमने एक भी किसी को भी कॉल भी किया बुला कि इस कारण से भी इमिडिएटली स्टाफ आया और जो हमारे समस्या थी उन्होंने सुने और उसको फटाफट उसको फॉलो किया, समस्या का समाधान किया। मैं इसलिए पूरा मणिपाल हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को, डॉक्टरों को, पूरे मेरी माँ और मेरी वाइफ की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत ही धन्यवाद और दुआएं देता हूँ। मैं डॉक्टर कुंजलता कुटेटा मणिपाल हॉस्पिटल में आँखों के स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर 2 मरीज रामरति देवी और धनवत देवी आँखों में नज़र की समस्या को लेकर के दिखाने के लिए आए थे। उनका डिटेल में जांच करने से हमें पता चला कि उन दोनों की आँख में मोतियाबिंद पाया गया, जिसका इलाज लेटेस्ट तरीके से फेको इमल्सिफिकेशन तरीके से सर्जरी के तौर पर किया जाता है, विच इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर आई सर्जरी। दोनों ही मरीजों का बहुत सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया और दोनों को हमने अगले दिन देखा तो उन दोनों को अपने विजन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है और दोनों ही मरीज बहुत अच्छे से संतुष्ट हैं।